अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इरफान सागर। नाज़रीन, कुछ लड़कियों के रिश्ते वक्त पर ना होने की वजह से फिर वो लड़कियां रिश्ता करवाने वाली आंटियां बन गईं, ताकि किसी और लड़की का रिश्ता लेट ना हो। ऐसी ही एक आंटी हमारे दरमियान मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी। नहीं, ये जो तुमने मेरा तारुफ करवाया, मेरा तारुफ था कि बेइज्जती की है? आंटी, मैंने तो आपकी नेक दिली की तारीफ की है। तुम फिर दूसरी बार मेरी बेइज्जती कर रहे हो। वैसे मैं यहाँ आने से पहले तुम्हारे लिए दो लड़कियों का रिश्ता देखकर आई थी। बड़ी खूबसूरत थी। खैर, इससे आगे नहीं बताऊंगी। अच्छा, मुझे जरूरत भी नहीं है। चलो, नहीं जरूरत तो ना सही, लेकिन एक लड़की तो बड़ी प्यारी भी थी। ना माँ, ना बाप, ना भाई, ना भैंस, मिलियंस की मालकिन, मिलियंस की। क्या बताऊं मैं तेरा, तुम्हें क्यों बताऊं? तुम क्या कह रहे थे? आंटी, फिर तो सॉरी बन गई। फिर आंटी? मेरा मतलब है आपा के, बात ये है कि आपा? अच्छा, छोटी बहन, मेरी बात तो सुन ले। प्रोग्राम खत्म होने के बाद ना फिर उनके पते मुझे जरूर बता के जाइएगा। अच्छा, वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हें एक बात पता है कि जो ऐसी रिश्ते मिल जाते हैं ना बगैर रिश्तेदारों के, समझो कि जैसे खुली तिजोरी मिल गई किसी को। खुली तिजोरी? अच्छा, तुम कितना कमा लेते हो? मैं कोई मिला जुला के 1.5 लाख रुपए तो कमा लेता हूँ। हैं? बस है, है। इतने में तो लड़कियों का मेकअप नहीं पूरा होता। यानी कि मेकअप के अलावा भी इससे ज्यादा खराजात होते। अच्छा छोड़े, रिश्ते तो आसमानों पर बनते हैं ना। हाँ, और इन्हीं आसमानों में से एक आसमान मेरा ऑफिस है, जहाँ मैंने बड़े बड़े लोगों के रिश्ते करवाए हैं। बड़े बड़े लोगों से मुराद ये कायम अली शाह साहब का रिश्ता आपने करवाया? लो, कायम अली शाह साहब, इमरान खान, इमरान खान की जितनी शादियां हुई मैंने करवाई। इसीलिए ज्यादा देर चल नहीं सकी। है? मेरा मतलब है कि इसीलिए ज्यादा देर चल नहीं सकी। ऐसी बात नहीं, मेरे रिश्ते बहुत माइलेज देते हैं। अच्छा, आजकल के रिश्ते तो ऐसे हैं, जब तक मोबाइल की बैटरी चलती है तब तक रिश्ता चलता है। नहीं जी नहीं, मेरे रिश्ते ना कायम अली शाह साहब की तरह कायम दायम रहते हैं। अच्छा, अगर बिलफर्ज तलाक हो जाए तो? तो कोई बात नहीं, मैं रिप्लेसमेंट करवा देती। चले, अगर आपके जरिए रिश्ता करवाना हो तो आप फीस कितनी लेती? लो, कुछ भी नहीं, 20,000 रजिस्ट्रेशन फीस, 4,000 रिश्ता होने के बाद इनामी फीस। कुछ कम? अरे, इससे कम क्या होगा? इससे कम तो बकरे नहीं आते कुर्बानी के। फिर बीबियां शोहर कहाँ से लाऊं? अच्छा, फीस जमा हो गई तो उसके बाद? लो, उसके बाद तो मैं अंबार लगा देती हूँ रिश्तों के अंबार। मेरे पास हर तरह के रिश्ते, हर तरह का पैकेज मौजूद है। बाहर सेटल्ड रिश्ते, दुबई वाला रिश्ता, कनाडा का रिश्ता, अमेरिका का रिश्ता, लाख से ऊपर के सैलरी का रिश्ता, इकलौती औलाद माँ बाप की उसका रिश्ता, सरकारी नौकरी वाला रिश्ता, गली मोहल्ले वाला रिश्ता, जून का रिश्ता, जुलाई का रिश्ता, मार्च का रिश्ता, दिसंबर का रिश्ता। बस 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 बस, आप रिश्ते बता रही हैं या आपने सब्जी की दुकान लगा ली? नो, मैंने तो ऐसे रिश्ते करवा करवा के ऑस्कर जीत लिए। ऑस्कर रिवार्ड? हाँ, ऑस्कर रिवार्ड तो फिल्मी अवार्ड नहीं? तो मैं क्या कम फिल्में चलाती हूँ? दो फैमिली में रिश्ता ऐसे नहीं हो जाता, बड़ी मार्केटिंग करनी पड़ती है, इनको ऐसी ऐसी खूबियाँ बतानी पड़ती हैं जिनको खुद ही नहीं पता होती। पता कैसे होंगी? इनमें होंगी तो इन्हें पता होंगी ना। मेरी मार्केटिंग तो इतनी अच्छी है, मैं PTI और नून लीग का भी आपस में रिश्ता करवा सकती हूँ। अच्छा चले, कभी ऐसा हुआ कि आपने रिश्ता ढूंढा हो और दोनों पार्टियाँ डायरेक्ट हो गई? हाँ, दो आदमियों ने ऐसा किया था, मैंने फिर ऐसा चक्कर चलाया कि आज तक उनकी शादी नहीं हो सकी। कौन थे वो दो लोग? शेख रशीद और सलमान खान। आजकल में कोई बड़ी शख्सियत का रिश्ता करवाया? नहीं, बड़ी शख्सियत वालों को ना आजकल रिश्ते नहीं, नैब वाले फरिश्ते लेने आते हैं। आपस की बात है, आजकल ना इमरान खान के लिए चौथा रिश्ता ढूंढ रही। क्या? ये इमरान खान साहब ने आपको खुद कहा है? हाय हाय, खुद कहाँ कहना उन्होंने, वैसे भी इमरान खान साहब सारा दिन फारिग ही रहते हैं। जब बंदा फारिग बैठा हो ना तो वो समझता है एक और शादी कर ही लूं। देखिए, खान साहब के पास ऐसे फजूल कामों के लिए कोई वक्त नहीं, और हमारे प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो गया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अच्छा ये बताओ,
बर्तन धो लेते हो? बर्तन धो ले तो मतलब? मतलब अमीर लड़की है, जाहिर बात है अमीर लड़की हो, उसके जूते भी पॉलिश करने पड़ सकते हैं, उसके लिए रोटी भी पकानी पड़ सकती है, ठीक है, बर्तन भी धोने पड़ सकते हैं, गाड़ी भी चलानी पड़ सकती है, और हाँ ये भी हो सकता है कि तुम्हें गाड़ी के पीछे लिखवाना पड़ जाए, भाई जन्नत बीवी के कदमों तले है। हेलो भाई, ओ आंटी को वापस भिजवा दो, और ये मेरा सियासी रिश्ता करवाना चाहती है। आंटी कौन? आंटी हैं आप, वो तो गुरुरा में मैंने इज्जत अपनी बचानी थी इसलिए आपको आप ही बोल दिया था। तुम्हारा जब रिश्ता ना कभी शेख रशीद की तरह नहीं होने वाला, याद रखना। अब बद्दुआएं तो ना दो।